कि शराब के नशे में दबंगों ने इस हत्या को अंजाम दिया है। मृतक को बचाने उसकी भतीजी वहां पहुंची, उसे भी घायल किया गया। सूचना के 2 घंटे बाद पुलिस नहीं पहुंचती है, सूचना दी जाती है लेकिन 2 घंटे बीत जाते हैं, कोई पुलिस की खोज खबर वहां पर नहीं रहती। कल्याणपुर के मिर्जापुर का ये पूरा मामला जहां पर एक व्यक्ति की हत्या की गई है, युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या की गई है, उसकी भतीजी को भी घायल किया गया है, पुलिस को सूचित किया जाता है, 2 घंटे बीत जाते हैं लेकिन पुलिस के कोई भी अधिकारी वहां पर नहीं मौजूद होते हैं। ये लापरवाही है, देखा जा सकता है किस तरह से पुलिस सुस्ताती रहती है। हमारे साथ हमारे कानपुर से संवाददाता विवेक इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए एक युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई है, उसकी भतीजी भी घायल हुई है, पुलिस क्यों नहीं पहुंची, क्या जवाब दिया गया, क्या पूरा मामला? स्वांगी जी, मैं आपको बता दूं, ये कल्याणपुर का कोई पहला मामला नहीं है। कल्याणपुर थाना वैसे भी सुर्खियों में बना हुआ है और ये जो है जो क्षेत्र के जो 2 नशेबाज हैं, इन्होंने ये कोई पहली घटना को अंजाम नहीं दिया। इससे पहले भी ये मोहल्ले में कई बार मारपीट कर चुके हैं और अभी तक पुलिस के, एक तो पहली बात घटना पे पुलिस नहीं पहुंची, उसके बाद अभी तक घटना के इतने समय हो जाने के बाद भी पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली है। जी विवेक, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पाई है, क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया, क्यों उस युवक की हत्या की गई, कुछ इसके बारे में पता चल सका क्या? ये जो क्षेत्र के 2 दबंग थे, तो जो मृतक है उसके भाई से पहले हाथापाई करी गई है, लेकिन जब वो मार खाकर छोटा वाला भाई वहां से भागकर अपनी जान बचाकर भाग गया और रात में नशे की हालत में जब ये बड़ा भाई मजदूरी करके अपने घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में दबंगों ने उसको रास्ते में पकड़कर उसकी निर्मम तरीके से ईंट पत्थर से कुचल कर उसकी हत्या कर दी। विवेक, अभी जो दबंग है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, क्या कुछ पता चल पाया उनके बारे में अभी तक? अभी तक पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली है। पुलिस से अभी सुबह बात हुई है तो उन्होंने बोला है कि हम पूरी तरह से उन लोगों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक इतना समय बीत जाने के बाद भी पुलिस। शुक्रिया विवेक, इस खबर से जुड़ी तमाम जानकारी।